जरा सोचो, जेल में बंद एक कमजोर सा बुढ़ा दुनिया का सबसे खतरनाक कुंग फू मास्टर निकले। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सदियों पहले, जब चाइना में सॉन्ग वंश का राज था। एक दिन उनके राज्य में दी जाति के लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने अपने जोरदार हमले से जल्द ही सॉन्ग फौजियों का हौसला गिरा दिया। इधर सॉन्ग फौज का सेनापति लिन चुआन पूरी हिम्मत से उनका मुकाबला कर रहा था, लेकिन दी जाति के फौजी लाखों में थे। तभी खुशकिस्मती से जून बाओ नाम के एक आदमी ने एन वक्त पर आकर सॉन्ग फौज की मदद की। असल में जून बाओ वूजी कुंफू स्टाइल का एक तगड़ा खिलाड़ी था, इसीलिए उसने बड़ी आसानी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इस लड़ाई में उसका साथ दिया नन्ही योद्धा शीमी ने, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे। उन दोनों की मदद से आखिरकार सॉन्ग फौज ने दी जाति को लोहे के चने चबवा दिए। इसी बीच दुश्मनों में से एक लड़की ने लिन चुआन पर हमला किया। जल्द ही वो लिन पर भारी पड़ने लगी, जिसे देखकर जून बाओ उसकी मदद के लिए आया और फिर अचानक वो लड़की वापस चली गई। असल में वो लड़ने नहीं बल्कि जून बाओ से कुछ चुराने आई थी, और उसे चुराते ही वो सीधा अपने मुखिया राजकुमार दी के पास पहुंची। असल में ये उस जेल की चाबी थी जिसमें एक बहुत ही खतरनाक कुंग फू मास्टर को कैद किया गया था। दरअसल ये पूरा युद्ध असल में इस चाबी को चुराने के लिए ही किया गया था। जैसे ही ये चाबी राजकुमार के हाथ लगी, वो तुरंत अपनी फौज लेकर वापस लौट गया। लेकिन जाने से पहले दो दुश्मनों ने शीमी को अगवा करने की कोशिश की, पर तभी जून बाओ ने शीमी की चीखें सुन ली और वो तुरंत घोड़े पर कूद कर उसे बचाने के लिए रहस्यमय जंगल की ओर निकल पड़ा। उधर दुश्मन जैसे ही जंगल में पहुंचे तो अचानक उनके घोड़े डर गए और उन्हें जमीन पर पटक कर दूर भाग गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आसपास एक विशालकाय जानवर घूम रहा था। वो दोनों चौकन्ने हो गए, पर अचानक एक फौजी जमीन में धंस गया। तभी दूसरे ने मुड़कर देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा कीड़ा खड़ा था। कीड़े ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, पर तभी सही मौका देखकर जून बाओ शीमे को बचाने आ पहुंचा। अब उसने जानवर से लड़ने की कोशिश की तो अचानक कहीं से एक लड़की कूद पड़ी और उसने जानवर को शांत किया। उस लड़की का नाम युईर था और उसने बताया कि ये रहस्यमय जीव इस जंगल पर राज करता है, इसीलिए जून बाओ को बिना इजाजत के नहीं घुसना चाहिए था। पर जून बाओ शीमे को बचाने के लिए यहाँ पर आया था, इसीलिए युईर ने उन्हें जाने दिया। उधर शहर में लिन चुआन एक मंत्री से और फौजियों और हथियारों की मांग करने लगा, लेकिन मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। लिन ने उसे समझाया कि चाहे वो आज जीत गए, लेकिन इतनी कम फौज और हथियारों से शहर की रक्षा करना नामुमकिन है। पर मंत्री के कान पर जू नहीं रहेंगी, इसीलिए लिन गुस्से में बाहर आ गया। राज्य की सुरक्षा की चिंता उसे खाई जा रही थी। खैर, फिर जून बाओ ने उसे शराब पीने के लिए बुलाया। देख भाई, टेंशन तो रहनी है, लेकिन सेलिब्रेशन भी तो जरूरी है। असल में वो दोनों बचपन के दोस्त थे, पर फिर जून बाओ मार्शल आर्ट सीखने चला गया और लिन फौज में भर्ती हो गया। अब लिन भी चाहता था कि जून बाओ जैसे योद्धा फौज में भर्ती होकर राज्य की रक्षा करें, लेकिन जून बाओ ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे चंद पैसों के लिए किसी राजा के लिए अपनी जान देने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि जून बाओ एक बूढ़े आदमी से मिलने गया जो पिछले 12 साल से कैद में था। उस बूढ़े आदमी का नाम था किरमाडा और ये वही कुंग फू मास्टर था जिसे राजकुमार छुड़वाना चाहता था। जून बाओ अक्सर जेल में किरमाडा से मिलने आता और शराब के बदले उससे कुंग फू सीखता। वैसे तो वूजी मार्शल आर्ट्स वालों को ऐसा करने की सख्त मनाही थी, लेकिन जून बाओ को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। जल्द ही वूजी दल के नए मास्टर को चुनने के लिए मुकाबला होने वाला था और जून बाओ को यकीन था कि अगर उसने दो अलग अलग कुंग फू स्टाइल्स को मिला दिया तो मुकाबले में उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। आखिरकार मुकाबले का दिन भी आ गया और एक योद्धा ने सभी विरोधियों को हरा दिया। अब वो वूजी दल का मास्टर बनने ही वाला था कि अचानक जून बाओ वहाँ आ पहुँचा। अब जून बाओ ने उस योद्धा से मुकाबला किया और अपने नए कुंग फू स्टाइल से उसे चित कर दिया। खैर, उसके गुरुओं को ये तकनीक पसंद नहीं आई और उन्होंने जून बाओ को चेतावनी देकर कहा कि आज के बाद इस तकनीक का इस्तेमाल ना करे। पर जून बाओ ने कहा कि इंसान कोई भी तकनीक सीख सकता है, क्योंकि कोई भी तकनीक अच्छी या बुरी नहीं होती। जरूरी ये है कि उस तकनीक को इस्तेमाल करने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए, लेकिन उसके गुरुओं के लिए उसूल और नियम सबसे ऊपर थे, इसीलिए उन्होंने मुकाबले का रिजल्ट निकाला ही नहीं और सब वहाँ से चले गए। बाद में जून बाओ शीमे के साथ खेलने लगा, पर अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि किरमाडा की जेल की चाबी गायब थी। इसके बाद हम योर को देखते हैं जो बहुत गुस्से में थी। असल में वो किरमाडा की बेटी थी और उसके कैद में होने की वजह से योर को ही वहाँ की गद्दी संभालनी पड़ी। खैर, अभी अभी उसे खबर मिली थी कि उनकी जाति के लोग छिपकर दी जाति का साथ दे रहे हैं।
तभी अचानक राजकुमार दी की सेना वहां आ गई और उन्होंने युवर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया ताकि वो दोनों मिलकर पूरे राज्य पर कब्जा कर सकें। इसके बदले में राजकुमार उसे किरमाडा की जेल की चाबी देने को तैयार था, लेकिन युवर ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। ऐसा करते ही राजकुमार के एक आदमी ने युवर पर जानलेवा हमला किया। युवर के साथी जानते थे कि जहर से युवर की 3 दिन में मौत हो जाएगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि सभी पहले ही राजकुमार से मिल चुके थे। युवर को एहसास हुआ कि वो अकेले इन सब का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए वो वहाँ से भाग निकली। अगली दोपहर जून बाओ रोज की तरह घूमने निकला था तो अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे बेहोश युवर पर पड़ी। जहर फैलने की वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक थी। खुशकिस्मती से जून बाओ के पास वूजी दल की कुछ खास गोलियां थी जो दुनिया के किसी भी जहर को काट सकती थी। उसने तुरंत ये गोली युवर को खिलाई और जल्द ही उसके शरीर से जहर का असर खत्म हो गया। इसके बाद रात के समय कुछ फौजियों ने वूजी महल पर हमला कर दिया क्योंकि वो किरमाडा को वहां से छुड़ाना चाहते थे। वूजी दल में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सके, इसीलिए वो बड़ी आसानी से किरमाडा को रिहा करके ले गए। उसी समय जून बाओ युवर के साथ बैठा बातचीत कर रहा था। अचानक शीमे ने वहां आकर उसे हमले की खबर दी, लेकिन जब तक जून बाओ वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि चारों ओर लाशों के ढेर थे और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तभी उसकी नजर अपने गुरु पर पड़ी जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। गुरु ने उसे पास बुलाकर वूजी दल का नया मास्टर बनाया और कहा कि अब तुम्हें और शीमे को ही वूजी दल की परंपरा को आगे बढ़ाना है। आखिरकार जून बाओ और शीमे वहां से निकल पड़े और उधर किरमाडा रिहा होने के बाद अपनी बेटी युवर से मिला। उसने अपनी बेटी को घर वापस चलने को कहा, लेकिन युवर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने किरमाडा को बताया कि कैसे उनके साथियों ने जरूरत के समय युवर को धोखा देकर राजकुमार से हाथ मिला लिया। युवर का मानना था कि वो लोग सिर्फ किरमाडा की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन किरमाडा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बाकी के 8 मार्शल आर्ट्स दलों से बदला लेना था जिन्होंने 12 साल से उसे कैद में रखा था। इसके बाद किरमाडा अपने अड्डे पर लौट आया और तभी वहां दी जाति के कुछ नकाब पोश आदमी पहुंच गए। वो बाकी के 8 दलों को हराने में किरमाडा की मदद चाहते थे और अब किरमाडा उन्हें इनकार भी किस मुंह से करता। आखिर उन्होंने ही तो उसे जेल से छुड़वाया है। लेकिन किरमाडा ने अचानक अपनी तलवार से उस आदमी पर वार किया, पर उस आदमी ने बड़ी आसानी से तलवार मोड़ डाली। उधर जून बाओ भी अपने साथियों और गुरु की मौत का बदला लेने के लिए बाकी के 8 दलों के गुरुओं से मिलने पहुंचा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। असल में उन सब को किरमाडा ने पहले ही मार डाला था और अचानक से वो जून बाओ के सामने आ गया। उसे देखकर जून बाओ गुस्से से भर गया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में जब जून बाओ हारने ही वाला था तो आयन वक्त पर युवर ने वहां आकर किरमाडा को बताया कि जून बाओ ने ही उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर किरमाडा ने उसे छोड़ दिया और जैसे ही वो जाने लगे तो अचानक नकाब पोश आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। अब किरमाडा ने डटकर उसका सामना किया, लेकिन कुछ ही पलों में वो हार गया। इसके बाद जून बाओ ने भी उस आदमी से मुकाबला किया, लेकिन वो भी उसके सामने टिक नहीं पाया, लेकिन वो उसका नकाब हटाने में कामयाब रहा। और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया तो जून बाओ के होश उड़ गए। ये कोई और नहीं बल्कि उसका खास दोस्त लिन चुआन था। तब ये खुलासा होता है कि लिन ने ही युद्ध में चाबी चुरा कर लड़की को दी थी। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि देश के सभी मंत्री करप्ट हो चुके थे और किसी को भी सैनिकों और आम लोगों की जान की परवाह ही नहीं थी। खैर, अब उसने जून बाओ को अपने साथ मिलकर पूरे देश पर राज करने का मौका दिया, लेकिन जून बाओ ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि लिन ताकत की चाहत में अंधा हो चुका था। शीमे को भी उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने लिन पर हमला कर दिया, लेकिन लिन के एक ही वार से वो बुरी तरह जख्मी हो गई। ये देखकर अब जून बाओ लिन पर टूट पड़ा, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी लिन को खरोंच तक नहीं आई। तब किरमाडा को समझ आया कि इस हैवान से जीतना आसान नहीं है, इसीलिए उसने जंगल के उस विशाल जानवर को आवाज देकर बुलाया और शीमे जून बाओ और युवर को उसके साथ सुरक्षित जगह भेज दिया। फिर उसने अकेले खुद लिन का सामना किया और आखिरकार उसी के हाथों मारा गया। उधर जून बाओ बाहर तो आ गया, लेकिन तब तक जहर शीमे के पूरे शरीर में फैल गया था और उसने जून बाओ की बाहों में ही दम तोड़ दिया। इससे जून बाओ अंदर से टूट गया और उसने भारी मन से शीमे को दफना दिया। अगले दिन वो गम में बैठा था कि अचानक दुश्मन फौज के 2 योद्धा उस पर हमला करने आ गए। उन्होंने मिलकर उसे खूब पीटा और आखिरकार उठाकर नदी में फेंक दिया। और फिर उसे अपने गुरु युवर किरमाडा और लिन की बातें याद आई। वो समझ गया कि उसे क्या करना चाहिए।
तभी एक सफेद और काली मछली उसके पास से गुजरी और अचानक उसके शरीर में अलग सी ताकत पैदा हो गई। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने बाहर आकर अपनी नई शक्तियों से दोनों दुश्मनों को मार डाला। उधर राजकुमार लिन के काम से बहुत खुश था। उन्होंने बड़ी चालाकी से बाकी के 8 मार्शल आर्ट्स दलों का भी खात्मा कर दिया था और अब राजकुमार बाकी देशों पर हमला करने की तैयारी में था। पर लिन को उसका सेनापति बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो खुद पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। अचानक उसने वहाँ मौजूद सभी योद्धाओं को मारकर राजकुमार पर हमला कर दिया। तभी युईर और जून बाओ भी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने लिन को सुधरने का एक आखिरी मौका दिया, लेकिन उसने उनकी बात को अनसुना करके जून बाओ पर हमला कर दिया। उनकी लड़ाई के बीच एक बार फिर से वो जानवर आ गया और तब लिन को एहसास हुआ कि जून बाओ पहले से काफी ताकतवर हो गया था। अब उसे भी अपनी ताकत बढ़ानी थी, इसीलिए वो अचानक जानवर पर कूद गया और उसके दिल पर हमला करके उसका दिल ही निकाल लिया। उसका मानना था कि इस रहस्यमय जानवर के दिल को खाकर वो भी ताकतवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जून बाओ ने उसे बुरी तरह हराकर मार डाला। अंत में जून बाओ और युईर एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते निकल गए। युईर ने शांति का जीवन चुना और जून बाओ वुजी दल को आगे बढ़ाने के लिए पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।